हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम 3G मोबाइल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, 1G के बाद 2G आया, 2G के बाद 3G आया, तो जितनी भी टेक्नोलॉजी आगे आती जाएंगी, कुछ ना कुछ उसमें नए फीचर्स आपको मिलते जाएंगे। जैसे 3G मोबाइल सिस्टम की बात करें तो इसको थर्ड जनरेशन मोबाइल सिस्टम बोलते हैं। ये टेक्नोलॉजी में बहुत सारे इन्हेंसमेंट हुए, बहुत सारे बदलाव हुए, चेंजेस हुए, जिससे क्या है, आपका हाई स्पीड ट्रांसमिशन, एडवांस मल्टीमीडिया एक्सेस और ग्लोबल रोमिंग के फीचर्स मिलते गए। इसमें हम वॉइस कम्युनिकेशन, वीडियो कॉलिंग अच्छा कर सकते हैं, इसमें हम डाउनलोडिंग अच्छा कर सकते हैं, नेट की सर्फिंग अच्छा कर सकते हैं, बहुत फास्ट स्पीड से नेट चला सकते हैं, है ना। और IP नेटवर्क का यूज़ करते हुए आप अपने फ़ोन को जो है इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें, नई नई चीज़ें आ चुकी हैं। तो 3G इज़ द थर्ड जनरेशन ऑफ वायरलेस एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी। इट कम्स विथ इन्हेंसमेंट ओवर प्रीवियस वायरलेस टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी आई है, ये अपने प्रीवियस टेक्नोलॉजी से कुछ बढ़कर के आई है। इसमें कुछ इन्हेंसमेंट किए गए हैं, लाइक हाई स्पीड ट्रांसमिशन, एडवांस मल्टीमीडिया एक्सेस एंड ग्लोबल रोमिंग। ठीक है, ये इसके कुछ एडवांस फीचर्स हैं। 3G इज़ मोस्टली यूज्ड विथ मोबाइल फोन्स एंड हैंडसेट। 3G का जो मोस्टली यूज होता है मोबाइल फ़ोन में और हैंडसेट में होता है, एज अ मीन्स टू कनेक्ट अ फ़ोन टू द इंटरनेट। फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट से और IP का नेटवर्क का यूज करते हुए, सो दैट वी कैन मेक वॉइस एंड वीडियो कॉल, ताकि हम उसका यूज़ वीडियो कॉल और वॉइस कॉल में कर सकें। एंड इसका यूज़ किस में होता है, टू डाउनलोड एंड अपलोड डेटा एंड टू सर्फ द नेट, डाउनलोडिंग करने में, अपलोडिंग करने में और नेट को सर्व करने के लिए होता है। ठीक है, सो 3G नेटवर्क के बारे में और जानते हैं। देखिए, द फर्स्ट प्री कॉमर्शियल 3G नेटवर्क वॉज लॉन्च्ड इन जापान इन 2001 बाई NIT डोकोमो। पहला जो कॉमर्शियल 3G नेटवर्क लॉन्च किया गया था वो जापान में किया गया था 2001 में। ओके, और इसको नाम दिया गया था, और किसके द्वारा किया गया था, NIT डोकोमो के द्वारा किया गया था। ओके, द 3G ऑफ मोबाइल टेलीफोनी लॉन्च्ड विथ द स्टार्ट ऑफ द न्यू मिलियन एंड ऑफर मेजर एडवांसमेंट ओवर प्रीवियस जनरेशन। तो जब 3G मोबाइल टेक्नोलॉजी लॉन्च किया गया, तो स्टार्टिंग से ही इसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ ऑफर यहाँ पे दिए गए, और इसमें जितने भी पुराने जनरेशन की टेक्नोलॉजी थी उनमें बहुत इसमें जो है बहुत सारे एडवांस चीज़ें आ गई पुरानी टेक्नोलॉजी की कंपेरिजन में। ठीक है, 3G technologies combines multimedia features in 2G phones by allowing video, audio and graphics application to be transmitted over the network. 3G technology में क्या हुआ कि जो 2G technology में हमको फैसिलिटी दी गई थी मल्टीमीडिया की, वो यहाँ पे भी होती है, लेकिन ये सारी जो आपके ऑडियो, वीडियो और हम ग्राफिक्स का चीज़ यूज करते हैं, यहाँ पे हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, ऑन 3G phones you can stream video or make video calls. आप 3G phones में वीडियो देख सकते हैं, स्ट्रीम करके बहुत फास्ट स्पीड से देख सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, बहुत सारी आपको फैसिलिटी यहाँ पे दी गई है। 3G इज़ आल्सो नोन एज IMT 2000। 3G को हम IMT 2000 भी बोलते हैं। और लास्ट देखते हैं, विथ 3G नेटवर्क यू कैन क्विकली डाउनलोड डेटा टू योर मोबाइल विदाउट एनी स्पेस। तो 3G नेटवर्क के थ्रू आप बहुत ही आसानी से, तेज़ी से डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में बिना किसी स्पेस के। ठीक है, सो दिस इज़ योर 3G नेटवर्क। इसके कुछ फीचर्स होते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। हम ये चाहते हैं कि एक ही वीडियो में सारा कवर हो जाए, क्योंकि हम अगर अलग अलग वीडियो बनाते हैं तो बहुत सारी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं जो है इसको एक ही वीडियो में कवर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसका जो डेटा स्पीड होता है वो 144 KBPS से 3 MBPS तक होता है, मतलब थोड़ा स्पीड अच्छी होती है। हाई स्पीड वेब ब्राउजिंग होती है, इसमें हाई स्पीड की वेब ब्राउजिंग होती है। वेब ब्राउजिंग क्या होता है, जो भी आप गूगल क्रोम में सर्च करते हैं वो वेब ब्राउजिंग कहलाता है। ठीक है, रन वेब बेस्ड एप्लीकेशन सच एज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मल्टीमीडिया, ईमेल। ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन को रन करने में बहुत ही आसान से रन करता है, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना, मल्टीमीडिया, ईमेल होते हैं। ठीक है, बहुत सारे काम जो हम वेब बेस्ड करते हैं उसको जो है रन करता है। फास्ट एंड ईजी ट्रांसफ़र ऑफ ऑडियो एंड वीडियो फाइल, ये आसानी से ऑडियो और वीडियो फाइल को सेंड करने में हेल्प करता है। इसमें 3D गेमिंग होती है। ठीक है, 3D गेमिंग क्या होती है, 3D गेम कभी देखा है आपने, आपने प्ले स्टोर में जाके देखी, 3D गेम बहुत सारे हैं, उसमें आपको तीन एक्सेस मिलेंगे, XYZ तीन एक्सेस मिलेंगे, है ना। तीन एक्सेस में आपको अलग ही फील आएगा, एक नया एक्सपीरियंस होगा, आप देखिए वहाँ जाकर के प्ले स्टोर में। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट 3G मोबाइल सिस्टम।
4G मोबाइल सिस्टम आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ओके, थैंक यू.